साथियों नमस्कार, मैं डीपी साहू सर आप सबका स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल एफएस ज्ञान में। साथियों चलिए प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा इस प्रकार रहा, कुछ घोड़े और उतनी ही संख्या में आदमी कहीं जा रहे थे, ठीक है। आदमियों में आधे घोड़ों के स्वामी अपने घोड़ों की पीठ पर सवार हैं और शेष घोड़ों को आगे से पकड़कर चला रहे हैं, ठीक है। यदि भूमि पर चलने वाले कदमों की संख्या 100 है तो उनमें घोड़े कितने हैं, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर हर शब्द की भाषा को, हर प्रश्न की भाषा को समझना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला लाइन क्या बोलता है, कुछ घोड़े और उतनी संख्या में आदमी कहीं जा रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो यहाँ पर ध्यान हमें क्या देना है कि जितनी घोड़े हैं उतने ही आदमी हैं, है ना। तो मैं इसको मान लूं क्या कि हम मान लेता हूं कि मैं जितने आदमी हैं उतने घोड़े हैं, है ना, ठीक है। जितने क्या है, आदमी है, तो मान लो आदमी की संख्या को मान लेता हूं x या n बोल लूं, ठीक है। मान लो आदमी की संख्या है n, तो ये क्या हो गए, घोड़ों की भी संख्या होगी हमारी, ठीक है। ये भी क्या है, घोड़ों की संख्या होगी। ये पहला हमारा जो है पहला लाइन का ये सेंस हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, आदमियों में आधे घोड़ों के स्वामी अपने घोड़ों की पीठ पर सवार हो गए, ठीक है। इन्हीं एन में से क्या हो गए, आधे लोग कहां चले गए, घोड़ों की पीठ पर, और आधे जमीन में बच गए, है ना। तब आधे आदमी, है ना, आधे करना है, ठीक है, क्योंकि आधे घोड़े पर बैठ गए आधे बच गए। तो जमीन पर चलने वाले आदमी, है ना, वो कितने हो जाएंगे, तो जमीन पर चलने वाले आदमी, जमीन पर चलने वाले आदमियों की संख्या, है ना, चलने वाले आदमियों की संख्या, तो कितनी हो जाएगी, आदमियों की संख्या आधी हो जाएगी, जितना था ना उनका क्या हो जाएगा, आधी एन बटे दो हो जाने, ठीक है फ्रेंड्स। और शेष घोड़ों के आगे पकड़कर चल रहे हैं, ठीक है। तो ये एन बटे दो है ना, जमीन में चल रहे हैं, ठीक है, जमीन में चल रहे हैं, आदमी है, याद रखिएगा, है ना। और इतने ही एन बटे दो आदमी घोड़ों के, है ना, पीठ में बैठ गए। अब हम देखते हैं कि यदि भूमि पर चलने वाले कदमों की संख्या 100 है तो उनमें घोड़े कितने हैं। तो फ्रेंड जब भी याद रखिए, जैसे घोड़ों की हमें संख्या ज्ञात करनी है ना, है ना, तो हम आदमियों को मानते हैं, अल्टरनेट मानते हैं, ठीक है, उनके विपरीत मानते हैं। तो हमने मान लिया आदमियों की संख्या है तो उतने ही घोड़े हो गए, आधे क्या है स्वामी होने के नाते वह पीठ पर चले गए, आधे क्या है जमीन पर चल रहे हैं, ठीक है। तो अब हम जानते हैं कि पैरों की संख्या कितनी होगी, है ना। तो बताइए आदमी के कितने पैर होते हैं, है ना। तो आदमी के पैरों की संख्या क्या हो जाएगी हमारी, कुल कितने आदमी है, एन बटे दो आदमी है, है ना। तो आदमी के पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी, जो एन बटे दो है ना, है ना, उसकी दो पैर होते हैं ना, तो दो से गुना करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाना है हमारा, दो दो कट गए, कितने हो गए हमारे एन, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, किसके पैरों निकालते हैं, घोड़े के पैरों की संख्या, है ना। तो घोड़े के पैरों की संख्या उतने कितने आदमी हैं, उतने घोड़े हैं, तो एन आदमी है, एन घोड़े हैं, और उनकी कुल संख्या क्या हो जाएगी, चार से गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा ये, चार एन, है ना। तो आदमी के पैरों की संख्या एन हो गई, घोड़े के पैरों की संख्या फोर एन हो गई, है ना। तो अब क्या करेंगे, तो कुल पैर तो दिया है ना, कुल पैर कितना हमारा 100 है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहां पर मिल देता हूं ये, तो ये हमारा आदमी के पैरों की संख्या और घोड़े के पैरों की संख्या, ये हो गई हमारी 100, है ना। तो यहाँ एन धन चार एन, पांच एन हो जाएगा, है ना। इधर हल कहता हूं, ये कितना जाएगा हमारा, पांच एन बराबर 100, ठीक है फ्रेंड्स, है ना। पांच के पड़ा में एक बार में, और ये हो गया पांच के पड़ा में 20 बार में, तो यहां मैं लिख देता हूं उसको। तो एन का मान कितना है हमारा, 20। इस तरह कह सकते हैं कि 20 आदमी है और 20 क्या है, घोड़े हैं, ठीक है। तो कितने घोड़े हैं, तो 20 घोड़े हैं, है ना। चलिए इनके पैरों को देख लेते हैं, तो घोड़े कितने के, 20 घोड़े हैं, तो टोटल पैर कितने हो गए इसके, 20 चौक 80 पैर हो गए, ठीक है, है ना। 20 आदमी है, लेकिन 20 में से 10 कहां बैठ गए, घोड़े पर, है ना, और 10 जमीन पर है, तो जमीन पर चल रहे हैं, तो जमीन पर चलने वाले की संख्या 10 है, तो उसके पैर कितने हो जाएंगे, 20, तो टोटल पैर कितने आ गए हमारे, 100, ठीक है फ्रेंड्स, है ना। चलिए बढ़ते हैं ऐसे ही नेक्स्ट अगले मजेदार क्वेश्चन की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न इस प्रकार है, एक मीटिंग में 10 व्यक्ति दूसरे से हैंडशेक करते हैं, अर्थात हाथ मिलाते हैं, कुल मिलाकर कितने हैंडशेक होंगे, है ना, कितने हैंड्स, कितने बार हैंडशेक हुआ वो पता करना है। तो चलिए इसको मैं बेसिक बताता हूं दोस्तों।
है ना, एक बार उसको पकड़ लीजिए, उसके बाद आपको ना ही फार्मूला रटना पड़ेगा ना कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। मान लो ये मैं 10 व्यक्ति यहाँ पर दिखा रहा हूँ, है ना, ये दो विदार बना हुआ 10 व्यक्ति है, ठीक है, ये हो गए 10, है ना, 3 3 6 3 9 1 हो गए 10। अब बताइए जो पहला आदमी है वो इनसे हाथ मिलाएगा, इनसे मिलाएगा, इनसे, है ना, इनसे, ठीक है, फिर इनसे हाथ मिलाएगा, है ना, तो कितने लोगों से हाथ मिला रहा है वो जो पहला व्यक्ति है? 9 लोगों से, ठीक है, जो फर्स्ट पर्सन है वो 9 व्यक्तियों से हाथ कर रहा है ना, 9 बार हैंडशेक कर रहा है कहा जाए तो, ठीक है ना। तो उसके बाद जो दूसरा भी है वो भी कितना करेगा? मान लो ये दूसरा शख्स है तो ये इनसे हाथ मिलाया, है ना, फिर ये इनसे मिलाएगा, फिर इनसे मिलाएगा, ठीक है, ये इनसे ऐसा ये भी मिला रहा है हाथ, है ना, तो ये कितने बार मिला रहा है? ये भी 9 बार मिला रहा है, ठीक है। तो इस तरह जो आगे बढ़ते हैं तो हर जने 9 बार मिला, तो 10वां व्यक्ति भी आएगा, वो भी 9 जने से हाथ मिलाएगा, है ना, अपने कार्य के छोड़ 9 लोगों से हाथ मिलाएगा। तो कितने हाथ मिले? तो 9 1 9 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
यूनिट नाउ, ठीक है। तो ये 10 ने कितना हो जाएगा 90, है ना। तो कितने बार हाथ मिले, कुल मिलाकर कितने हैंडशेक हुए 90, ठीक है, है ना। तो ये हो गया हमारा बेस, है ना, इससे आप स्पष्ट रूप से समझ जाएंगे। चलिए इसे फार्मूला से बनाकर देखते हैं। तो हमारा ये हो जाएगा एन एन माइनस वन, ठीक है ना। मान रख देना यहाँ पर एन का मान है 10, है ना, और 10 में एक कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 9। तो 10 गुणित 9 कितना हो जाएगा हमारा 90। तो इसे हमें ये फार्मूला बेस से बना, कितने हैंडशेक होंगे 10 नियम 90 हैंडशेक होंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और ऐसा बेसिक बनाया तो इस तरह से रहेगा, 90 ही होगा, ठीक है। ये बेस आपका स्पष्ट हो जाए, इस पर कैसे क्वेश्चन घुमाए आप निकाल लेंगे, है ना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए साथियों, प्रश्न हमारा है 1200 व्यक्तियों का एक समूह जिसमें एक कप्तान और सिपाही दोनों हैं, ठीक है। एक ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं, प्रत्येक 15 सिपाहियों पर एक कप्तान है। इस समूह में कितने कप्तान है हमें पता करना है, ठीक है। तो टोटल हमारे कितने हो गए, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। तो टोटल कितने हो गए हमारे, 1200 व्यक्तियों का ग्रुप है, ठीक है फ्रेंड्स। इसको है ना बेसिक समझ लेते हैं। उसके बाद इसमें कहता है कि इसी में ना 1200 में से क्या है, एक कप्तान है और 15 सिपाही है, ठीक है। 15 सिपाही और एक कप्तान इसी में से है भाई, याद रखिएगा, है ना, ठीक है। तो हमें बताना है कि इस समूह में कितने कप्तान है, है ना। तो हमारा एक मन क्या कहेगा कि 1200 को हम भाग कर दे 15 से, ठीक है। तो 15 × 120, है ना, और शून्यम, तो 80 क्या हो गए हमारे ग्रुप बन जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स, है ना। 80 क्या हो जाएंगे हमारे कैप्टन हो गए, है ना, 15 में एक कप्तान, है ना। तो 15 से भाग करेंगे 1200 को, तो हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ऐसा सोचे तो हमारा आंसर है गलत, ठीक फ्रेंड्स। तो क्या हो रहा है, चूंकि हमें ध्यान देना है भाषा को, है ना, 1200 व्यक्तियों के समूह में इसी में कप्तान भी है, मैंने पहले बताया ना, इसी में हमारा सिपाही भी है, ये टोटल है, कुल है, ठीक है, है ना। तो हमारा जो 1200 टोटल है उसमें से हमारे कप्तान भी इसी में है और सिपाही भी इसी में है, तो टोटल कितने हो गए हमारे, यहां से चलते हैं, तो टोटल हो गए हमारे 1200, है ना, और जहां सिपाही और एक सिपाही और कप्तान, सॉरी एक कप्तान और 15 सिपाही कितने हुए 16। तो 16 से इसको भाग करेंगे, वो बताएगी हमारी कप्तान की संख्या। चलो करते हैं, तो 16 × 96 = 16 = 112 हो गए ना, और बच गए हमारा 8, ठीक है, 80, 16 × 5 = 80। तो बताइए, है ना, कितने कप्तान हो जाएंगे हमारे, 75 कप्तान, ठीक है। फिर साथियों प्रश्न हमारा है, एक पर्स में रखे 50 पैसे के सिक्कों तथा 25 पैसे के सिक्कों की संख्या समान है, ठीक है, है ना। 50 पैसे और 25 पैसे दोनों के सिक्कों की संख्या समान है, ठीक है, ये प्रश्न हो गए। आगे बढ़ते हैं इसमें, यदि उन सबका मूल्य 22 रुपया 50 पैसे हो तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए, है ना। चलिए इसको स्टार्ट करते बनाना, है ना, बहुत आसान तरीके से बनेगा, बस वीडियो स्किप न कीजिए, बने रहिए हमारे वीडियो में। चलिए देखते हैं, यहाँ पर दोनों के सिक्कों की संख्या समान है ना। तो मैं कह दूं यहाँ पर, मान लो सिक्कों की संख्या 50 पैसे की भी x है और 25 पैसे की भी x है बोल दूं, ठीक है। अब बताइए आगे कि टोटल रुपया कितना है उसके पोटली में, 22 रुपया 50 पैसे, ठीक है, ये टोटल रुपया हो गए। अब हमारे 50 पैसे के सिक्कों की संख्या है ना,
और दोनों किसी के समान है और दोनों का जो योग हो रहा है ना, ठीक है, तो दोनों का योग हो रहा है वो 22 रुपया 50 पैसे हो रहा है, ठीक है। तो ये जो पैसे है ना, तो टोटल सिक्कों की संख्या मान लो मैं एक समान तो हूं, तो टोटल पैसे कितने हो जाएंगे, 50 पैसे के 50 एक्स हो जाएंगे, ठीक है, 50 एक्स पैसे, ये कितने हो जाएंगे, 25 एक्स पैसे। अब इनको रुपया बनाऊंगा, तो जब भी पैसे को रुपया बनाते हैं तो 100 से क्या करते हैं, इसको भाग कर दो, रुपया बन गया, चूंकि दोनों क्या है रुपया, ये भी रुपया है ना, ये हमारा रुपया है, ठीक है फ्रेंड्स, इसीलिए इसको 100 से भाग दिए हैं, बस हल हल करो इनको और आंसर आ जाएगा, है ना। तो इनको मैं यहाँ भी 100 सील लिख दूं क्या, ऐसा है ना, दशमलव हमारा हट गया, ठीक है। चलिए इनको हल करते हैं, तो ये हो जाएगा 50x और 25x दोनों जोड़ेंगे कितना हो जाएगा हमारा 75x। क्यों ऐसा जोड़ रहा हूँ, क्योंकि जो है 100 जो है हर जो समान है, यहाँ समान है, ठीक है। अब बस ये हल करें, आंसर आ गया हमारा, ठीक है फ्रेंड्स। तो 100 से 100 काट दीजिए, है ना। चलिए इसको 25 से काट देते हैं, ठीक है, ये 75 से भी कटेगा, चलिए काट देते 25 से 25 75, है ना, 25 25 8 और 25 नियम 225 25 0, ठीक है, 3 1 3 और 3 30 100। तो इस तरह से हमारा क्या आ गया, जो सिक्कों की संख्या है ना, वो आ गई हमारी 30, ठीक है। तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या हो जाती है, हो जाएगी हमारी 30 हो जाएगी, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, हमारा प्रश्न है, एक परीक्षा में 60% विद्यार्थी क्या है, उत्तीर्ण हुए, अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 400 है, परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी सम्मिलित हुए थे, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना, तो यहाँ पर देखते हैं कि कितने परसेंट उत्तीर्ण हुए, 60% हमारे क्या हो गए, उत्तीर्ण हुए। अब बताइए 60% उत्तीर्ण हुए तो कितने परसेंट अनुत्तीर्ण हो गए हमारे, फेल कितने हुए, है ना, कितने होंगे, 100 में 60 कम करेंगे कितना हुआ वो, 40%, ठीक है फ्रेंड्स। अब प्रश्न में यही कहा है कि अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 400 है, तो यही तो 40% ही क्या है हमारा, अनुत्तीर्ण हुआ वो कितने हैं, 400 है, ठीक है। जब 40% 100 400 है, तो हमारा 100% निकालो इसी का, है ना, तो क्या हो जाएगा ये 400 है ना, बटे क्या हो जाएगा हमारा 40, यहां पर हो जाएगा 100 से गुणा, ठीक है। यहां से 1% निकाल लेंगे ना, इधर जाके हम क्या निकालेंगे, 1% क्या हो जाएगा हमारा, 400 बटे क्या हो जाएगा 40। अब इसको 100 से गुणा किया तो यहां पर पहुंच गए ना, है ना, तो 100 से गुणा करके काट देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है, 4 1 4 4 2 40 और 10 × 100 कितना हो गया, 1000 आया, ठीक है फ्रेंड्स। तो 1000 में से है ना 400 फेल हो गए और 60 क्या हो गए, सॉरी 600 क्या हो गए, पास हो गए, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह हमारे कुल कितने विद्यार्थी थे उस पेपर एग्जाम में, 1000, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, चलिए हमारा प्रश्न है, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, ठीक है, उम्मीदवार जिसे 43% मत प्राप्त हुए, दूसरे उम्मीदवार द्वारा 420 मतों से पराजित हो गया, ठीक है, मतदान में कुल कितने मत डाले गए ये हमें पता करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहां से देखते हैं कि जो पहला उम्मीदवार है उसको मिला 43% वोट, है ना, तो जीता हुआ है तो उसको कितना मिला होगा, 57, ठीक है। तो 100 में से 43 मान लो 100% मतदान होता है, 43% पहले कैंडिडेट को मिल गया तो कितना है हमारा, 57% ये दूसरे कैंडिडेट को मिलेगा, ठीक है, ये हो गया 57%। अब बताइए जो 57% है ना वोट हासिल करता है वो जीत जा रहा है, तो आगे प्रश्न क्या लिखा है कि दूसरे उम्मीदवार द्वारा 420 मतों से पराजित हो गया, मान लो 43% जिनको मिला ना वो दूसरे से पराजित हो गया, तो दोनों का परसेंट का अंतर कितना हो गया, दोनों के परसेंट का अंतर कितना हो जाएगा, यहां से 7 में 3 कम करेंगे तो 4 हो जाएगा, 5 में 1 कम करेंगे तो 5 में 4 कम करेंगे तो 1, तो मतों का जो अंतर का परसेंट है 14%, इतने मतों से तो हार जीत हो रही है, ठीक है, और वो मत कितने हैं हमारे, 420 है, ठीक है फ्रेंड्स। बस ये बन गए हमारे 14% 420 है, तो हमारा 100% कितना होगा, है ना, तो ये 100% कितना होगा, 420 × 100 है ना, और बटे हो जाएगा 14 एक कम में काट देते हैं, 14 3 42 ये हो गया 30, है ना, 30 × 100 माने कितना हो गया हमारा, 3000, ठीक है। तो उस मतबोध में है ना, उस मतदान में कितने वोट डाले गए, 3000, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद है आज का छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा, प्लीज पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए, मिलते हैं ऐसे बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।